हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया है तो बढ़िया रहना। तो स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज का वीडियो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला। हमारी हर वीडियो ही काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी मज़ेदार होती है। तो जा फटाफट से वीडियो में पूरा बने रहना यार। आप लोग क्या कर रहे हो, पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं, बाद में बोलोगे मज़ा नहीं आ रहा। 6 मिनट की वीडियो जो है आप लोग पूरा नहीं देख पाते हो, तो पूरा देखो तभी तो मज़ा आएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाकर सब्सक्राइब करो यार। क्या कर रहे हो, 400, 500, 500, 500, फिर 5,500, 1,500 लोग वीडियो देखते हैं यार, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्या कर रहे हो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट नहीं करोगे तो यार वीडियो बनाने में कैसे मज़ा आएगा। तो आप लोग जाओ सपोर्ट करो फटाफट से, तभी तो वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और आपको भी देखने में मज़ा आएगा। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को बिना बकचोदी किए शुरू करते हैं, वरना यार ज़्यादा बोलूँगा तो कहेगा क्या यार फालतू के बकचोदी कर रहा है। तो बिना बकवास पूरा ख़त्म करते हैं। आप लोग जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो और मैं आप लोगों को चलता हूँ आगे की वीडियो दिखाता हूँ अच्छी अच्छी। आई होप कि आप लोगों ने फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो थोड़ा बहुत नहीं कहा, और यहाँ से निकल रहे हैं अभी। आप लोगों को कहाँ जा रहे हैं अभी लास्ट में पता चलेगा, बने रहो। कहाँ जाइयो? बाबा गुरुदेव। बाबा गुरुदेव स्कूल में? हाँ। बताना, हमें नहीं पता कहाँ पर है। ठीक है ठीक है, आओ। हाथ में क्या हुआ, प्लास्टर बंधा है क्या? हाँ, ऐसे रुमाल बांधे हो? ये वाला है उसको। अच्छा, बाबा गुरुदेव बालते इंटर कॉलेज। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मतलब कौन से क्लास में? साथ में। साथ में, चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ो। गाइस बकरी चरा लो, बकरी 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 लेना हो तो बताइए, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। बकरी आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, होम डिलीवरी कर दिया जाएगा यहाँ से। फाइनली पहुंच चुके हैं मटेरा, और अभी यहाँ से मिलेगा हाईवे, यहाँ से मक्खन रोड पूरा फुल स्क्रीटर दबा के निकल लो भाई। अभी पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और फूल बताऊँगा बहुत ऐसे वापसी में डलवा लेंगे, बस इधर से ही डलवा लेते। और इधर देख लो CNG बन रहा है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर जो है वहाँ पर। भैया तो सो रहे हैं, डाल दो भैया 110। आप तो बिल्कुल आराम से सो गए, तो नींद ले नींद लिए सोवे तो आराम से। अरे यार बारात के रहने बारात यार सोता हूं, रात में ना सोता हूं। कितने में? 97 रुपया, थोड़ा महंगा हो गया यार। गाना बहुत बढ़िया गाया है, मस्त है। तो फाइनली पेट्रोल डलवा कर निकल चुके हैं, अब चलते हैं। और भाई भैया तो आराम से गाना लगा के बढ़िया कुर्सी बैठ के नींद आराम से ले रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम नानपारा, और अभी चलते हैं नानपारा मार्केट में, वहां पर काम है, थोड़ा दवा वा लेना है, तो दवा वा ले लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर पर। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो यूट्यूब चलाते हैं वो तो पता ही होगा सबको, कि प्रो राइडर जो हैं, एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम अगस्त चौहान है, तो उनका हाल ही में आगरा एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हुआ था भाई, डेथ हो गया उनका, बहुत दुख की बात है। बट यार उनके नाम पर ना लाखों लोग, मतलब उल्टा सीधा वीडियो बना के लाखों व्यूज उठा लिए हैं। मैं भी चाहता बना सकता, बट मैंने किसी के नाम पर इतना, उसका डेथ हो गया है, उल्टी सीधी चीज़ें बता के उसके नाम पर व्यूज लो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। अपने खुद के दम पर बनाओ ना कंटेंट, कम व्यू जाए लेकिन खुद की पब्लिक बनाओ ना, दूसरे के नाम पर और दूसरे का कंटेंट उठा के डालो वो मुझे नहीं चाहिए। और जिनको सपोर्ट करना होगा मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा मेरे खुद के कंटेंट पर। चलो ये सब छोड़ते हैं, बट बहुत दुख हुआ यार सुन के उनका एक्सीडेंट हुआ। चलो मार्केट की तरफ चलते हैं, अभी काम है, दो चार काम निपटा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है जल गया, जिसको चेंज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भीड़ लगा है।
भाई लोगों का रिएक्शन तो इस तरह है कि पूछो मत। क्या देखते हैं लोग यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं तो करो ना। अरे बस कर भाई, और पागल कर दे, पीछा छोड़ दे। भाई यहाँ पर तो हमेशा जाम ही जाम, मतलब जब मैं आता हूँ तब यहाँ पर तो जाम मिलता ही है। क्या बताएं, यहाँ का जाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता भाई। अभी तो कम जाम है, कभी कभी तो इतना जाम के निकल नहीं पाओ, इतने में ही आधा घंटा लगा दिया। तो निकल रहे हैं बाहर की तरफ, अभी देखते हैं यार मेडिकल कहाँ पर है, ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं मेडिकल कहाँ पर है, तब दवा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर पर। अब कुछ खा पी लें, पेट में बहुत ज़ोरों से भूख लगी है भाई। मेडिकल मिल गया, अभी देखते हैं यहाँ पर मिलेगा नहीं भाई। पीएच खड़े कर देंगे, सामने मेडिकल है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छी तरह होता तो फाइनली दवा मिल चुकी है और दवा ले लिया है। इसके बाद निकलते हैं सीधे घर पे। काला सूट पाने जदों लग दिया कैर लगे जहर साढ़े दिल नु चढ़ाएंगी। इतना मेकअप धूप में लगा कर ये लोग कैसे चल लेते हैं। मैं भाई साहब लिफ्ट मांगे हैं दूर से ही। कहाँ जा रहे हैं आपको? हमें बहराइच से जाना था भाई। बहराइच नहीं, हम मटेरा तक जाएंगे। आ जाइए। बस नहीं मिली क्या? बस नहीं थी, हाथ किया निकल गई, मेल नहीं रुकती है। अच्छा, वो हाँ मेल तो नहीं रुकती है, वो लोकल वाली रहती है तो रुकती है, मेल नहीं रुकेगी। चलिए ठीक है, मटेरा तक छोड़ दो या जाएंगे सीधे, तो अभी बहराइच काफी दूर है यहाँ से। हाँ बस वेलकम वेलकम, हम इधर जाएंगे ना, वरना आगे तक छोड़ देते। ठीक है चलो भाई, छोड़ दिए। अब बस यहाँ लोकल बस मिलेगी तो वो चले जाएंगे, मेल जो होती है वो रुकते नहीं है। तो मुझे आगे जाना होता तो छोड़ देता, बट दूसरे का हेल्प करके आज सुबह से एक बच्चा मिला है, अंकल मिले तो उनका हेल्प किया, काफी अच्छा लगता है। आप भी लोग किया करो, कहीं जा रहे हो कोई लिफ्ट मांगे तो दे दिया करो, ऐसी बात नहीं कि हाथ दे तो के ना, मतलब खाली हो सकते तो कोई। Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down all the windows, feel the wind rushing in.